हाय गाइज गाइज आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को टॉप 10 स्मार्टफोन जो कि 15,000 के अंदर आता है आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही गाइज इन सारे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यदि आप 15,000 के अंदर एक बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि 15,000 के अंडर आता है। नंबर 10 Realme 2 Pro, ये आपको 12,990 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3500 mAh का LiON बैटरी मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर 1.95 GHz AIE प्रोसेसर मिल जाता है। इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में आपको डुअल कैमरा जो कि 16MP प्राइमरी लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसके फ्रंट में भी 16MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ आप अलग से इसमें SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। नंबर 9 Vivo V11 Pro, ये आपको 14,990 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.41 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें थर्ड जनरेशन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको 3400 mAh का LiON बैटरी मिल जाता है। अब अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 AIE प्रोसेसर मिल जाता है। अब अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसके रियर में आपको डुअल कैमरा जो कि 12MP प्राइमरी लेंस और 5MP डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 25MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ आप इसमें अलग से SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। नंबर 8 Redmi Note 5 Pro, ये आपको 13,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh का LI पॉलीमर बैटरी मिल जाता है। अब अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जिसे आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 1.8GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है। अब अगर इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा जो कि 12MP प्राइमरी लेंस और 5MP डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। साथ ही अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 7 Redmi Note 6 Pro, ये आपको 11,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.26 इंच का फुल HD प्लस नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh का LI पॉलीमर बैटरी मिल जाता है। अब अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर मिल जाता है। साथ ही अगर इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें भी आपको डुअल रियर कैमरा जो कि 12MP प्राइमरी लेंस और 5MP डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको फ्रंट में भी डुअल कैमरा जो कि 20MP और 2MP का मिल जाता है।
अब अगर इसकी सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नंबर 6 Redmi Note 8, ये आपको 12,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 2GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि 48MP प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। अब अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 5 Redmi Note 7 Pro, ये आपको 13,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। साथ ही अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh का LI पॉलीमर बैटरी मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। अब अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर मिल जाता है। अब अगर इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें भी आपको डुअल रियर कैमरा जो कि 48MP प्राइमरी लेंस और 5MP डेप्थ सेंसर लेंस मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। अब अगर इसकी सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 4 MIA3, ये आपको 14,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.08 इंच का HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4030 mAh का बैटरी मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि 48MP प्राइमरी लेंस, 8MP वाइड एंगल लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। अब अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 3 Realme 5 Pro, ये आपको 14,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 4035 mAh का वूक चार्ज 3.0 सपोर्ट के साथ बैटरी मिल जाता है। साथ ही अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर 2.3GHz प्रोसेसर मिल जाता है। अब अगर इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा रियर में देखने को मिल जाता है, जो कि 48MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का वाइड एंगल लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का माइक्रो लेंस मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको 16MP का फ्रंट में भी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही आप अलग से इसमें SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2 Vivo Z1 Pro, ये आपको 14,990 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 AI ऑक्टा कोर 2.3 GHz प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा जो कि 16 MP प्राइमरी लेंस, 2 MP डेप्थ सेंसर लेंस और 8 MP वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 32 MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। अब अगर इसकी सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अलग से SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1 Redmi Note 8 Pro, ये आपको 14,849 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh का Li पॉलीमर बैटरी मिल जाता है। इसमें आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G90T प्रोसेसर मिल जाता है। साथ ही अब अगर इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि 64 MP प्राइमरी लेंस, 8 MP वाइड एंगल लेंस, 2 MP डेप्थ सेंसर लेंस, 2 MP माइक्रो लेंस मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसमें 20 MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। अब अगर इसके सिम सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अलग से SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आपको इसमें कौन सबसे अच्छा फ़ोन लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।